अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने कुर्ती तैयार की है जिसकी हमने प्रिंसेस कट कटिंग की है, ठीक है। यहाँ हमने कलियों में इसकी डोरी पाइपिंग लगा दी और इसकी जो पट्टियाँ लगाई है हमने, और नीचे हमने कंट्रास्ट की पट्टी लगाई है, ये नीचे से इसी तरह जा रही है, ठीक है। और ऊपर जो पट्टी लगाई है हमने इस पर डिजाइनिंग की है, और हमने इसका कॉलर लगा दिया। बराबर में जो आपको पिक्चर दिख रही होगी सेम उसी तरह की हमने ये कुर्ती तैयार की है। ये 2.5 गज हमारे पास कपड़ा है, ये कपड़ा हमने डबल किया हुआ है, ठीक है। पहले हम इसकी लंबाई निकाल लेंगे दोनों बैक फ्रंट की। तीस इंच हमारी लंबाई तैयार होगी, हम इसकी अभी 32 इंच पे कटिंग कर लेंगे। इसकी बैग हम इस तरह डबल करके बिछा लेंगे। और फ्रंट को इस तरह करेंगे डबल, ठीक है। ओपनिंग साइड मेरी साइड होगा फ्रंट का। इस तरह बराबर रख लेंगे। फ्रंट की यहां से हम कन्नी काट देंगे। ये ठीक है, यहां से हमने बराबर रखना है दोनों को। बैक का ओपन साइड आगे मेरे, ठीक है, और फ्रंट का ओपन साइड मेरी साइड है। इस पे निशान लगा लेंगे अपने। शोल्डर का निशान हम 8 इंच पे लगा लेंगे और आर्म होल का निशान भी हम 8 इंच पे लगा लेंगे। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये 8 इंच पे हमने इसका निशान लगाया। एक सेंटर का हम निशान लगा लेंगे 4 इंच पे। ये हमारा 4 इंच पे निशान लग गया, और यहां से हम एक निशान 10-11 इंच पे लगा लेंगे, ठीक है। 11 इंच पे आ गया, यहां पे हम इसे 5 इंच पे निशान लगाएंगे, और नीचे हम इसे 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये 8 है तो यहां पे भी इसे इसी तरह 8 इंच पे निशान लगा के यहां से हमने इस तरह शेप देना है। इसकी लंबाई का निशान लगा लेंगे। 30 इंच हमारी लंबाई तैयार होगी, ठीक है। 31 इंच पे हम इसका निशान लगा लेंगे, इसे सीधा कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे दोनों की। देखिए, यहां से हम इसे थोड़ा सा आगे काट लेंगे इस तरह, ठीक है। अब इसे यहां पे इसके ऊपर बढ़ता हुआ रख देंगे हम 1 इंच। यहां से पूरा ये 1 इंच आना चाहिए हमारा बढ़ता हुआ। ठीक है, ये तकरीबन 1 इंच हमने ऊपर बढ़ता हुआ रख दिया इसे। अब इस पे हम अपने प्रॉपर निशान लगाएंगे। ये जो हमने पहले 8 इंच का आर्मोल का निशान लगाया था वो हमने सिर्फ इसका सेंटर करने के लिए लगाया था, ठीक है। 8 इंच पे हम इसका आर्मोल का निशान लगा लेंगे और वेस्ट का निशान हम 15 इंच पे लगा लेंगे, ठीक है।
अब इसके चेस्ट का निशान हम 10 इंच पे लगा लेंगे, ठीक है। वेस्ट का निशान भी हम 10 इंच पे लगा लेंगे, और जो नीचे हमारा घेर आएगा यहाँ पे हम इसका 15 इंच का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम इसका फ्रंट का निशान लगा लेते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, हम पहले हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। अब इसकी बैक की कटिंग करेंगे। ठीक है, अब इसका हमने इसका कॉलर का जो ना हमने वो भी काटना है, इसका हाला काटना है। 3 इंच पे हम इसका यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और 3.5 इंच का इस तरह निशान लगा लेंगे, ठीक है। और इस निशान से 8 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, यहाँ पे हम इसे शेप दे देंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रंट की सिर्फ। और यहां से देखें हमने आधा इंच का इसको काटना है, आधा इंच का दबाव लेके इस निशान तक लेके जाना है, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह का शेप हमने नीचे भी देना है। यहां हम इसे 8 इंच पे निशान लगा लेते हैं। नीचे भी हमने सिर्फ फ्रंट की कटिंग की है यहां से। अब इसके पैनल में हम डोरी पाइपिंग लगा लेंगे। ये हमारा कपड़ा है कंट्रास्ट का, ठीक है। 1 इंच चौड़ी हम पट्टी काट लेंगे, फिर इसकी डोरी पाइपिंग हम मशीन पर लगाएंगे। ये देखिए आप फ्रंट की जो साइड पैनल है वो सेंटर के फ्रंट के सेंटर पैनल के साथ जोड़ना है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है, ऐसा नहीं हम बैक के भी पैनल फ्रंट के साथ जोड़ दें। अब हमें इस तरह पैनल जोड़ना है इसके साथ, ठीक है। ये इस साइड का है तो इस तरह हमने इससे पैनल जोड़ना है। अगर आप एक साथ डोरी पाइपिंग के साथ जोड़ सकते हैं तो एक साथ जोड़ लें, वरना आप पहले डोरी पाइपिंग लगा लें इस पर, बाद में पैनल के साथ आप जोड़ लें, ठीक है। ये देखें, ये मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी काट ली, ये हमारी डोरी है, इसे इसके बीच में रख लेंगे इस तरह, यहाँ पे इसे रख लेंगे। मैं एक साथ ही लगा लूंगा पैनल में, ठीक है। ये देखें, मैंने पैनल में इसकी डोरी पाइपिंग लगा दी, एक ही सिलाई में मैंने डोरी पाइपिंग लगा दी इसमें, ठीक है। अब दूसरी साइड की भी इसी तरह हम पैनल जोड़ लेंगे, और बैक के भी इसी तरह जोड़ लेंगे। ये मैंने पैनल में डोरी पाइपिंग लगा ली, ठीक है, फ्रंट में भी लगा ली मैंने, दोनों साइड पे, और बैक पे भी लगा ली। अब इसकी पट्टियां हमने लगानी है। ये देखें, एक हमने सेम कलर की पट्टी ली हुई है, और एक इसके कंट्रास्ट की ली हुई है जो हमने पाइपिंग लगाई है। ये पट्टी हमारी 1 इंच चौड़ी पट्टी है, ठीक है। ये देखें, ये हमारी 3 इंच चौड़ी पट्टी थी, इसे हमने दोनों साइड से मोड़ लिया,
ठीक है, इसे दोबारा इस तरह मोड़ लिया, हमारी 1 इंच की हमारी पट्टी हो गई है, और ये वाली पट्टी भी इसी तरह हमने तैयार कर ली। ठीक है, दो हमारी ये पट्टियाँ हो गई और दो हमारी ये वाली पट्टियाँ हैं। सादे ब्लैक कपड़े में हमने रेड कलर की इसकी पट्टियाँ लगा ली, इसकी सिलाई लगा ली एंकर की। एंकर की सिलाई लगाना मैं आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, एंकर की सिलाई किस तरह लगती हैं। ठीक है, इसकी पट्टी भी हमने सिलाई लगा के इस पट्टी को भी इसी तरह हमने दोनों साइड से मोड़ लिया, इस साइड से भी और इसकी दूसरी साइड से भी। ठीक है, ये पट्टी हमारी है आधे इंच की। ठीक है, ये 1 इंच की चौड़ी पट्टी है और ये आधे इंच की पट्टी है, और एक हमारी ये पट्टी है। इस कलर की हमने कपड़ा लिया, इस पर हमने पेंटैक दे दिए 0 की बुकरम लगा के। ठीक है, इसे भी हमने इसी तरह दोनों साइड से मोड़ लिया, और इस साइड से हमने नीचे एक साइड से इस तरह मोड़ के इस तरह मोड़ लिया। ठीक है, इस तरह से हमने नोक बना ली इसकी, और ऊपर से भी हमने इसे इस तरह मोड़ लिया। ठीक है, अब ये पट्टियां हम मशीन में लगाना बताएंगे, पट्टियां हमें किस तरह लगानी है। अब ये देखिए हमारा फ्रंट है, ये जो हमारी कंट्रास्ट की पट्टी है ये हमारी इस साइड पे लगेगी। ठीक है, और जो सेम की पट्टी है इस साइड पे लगेगी, ये तो हमारी सीधी एक पट्टी लग जाएगी, बाकी जो हमारी ये दो पट्टियां हैं ये वाली, ये हमारी इस पट्टी पे लगेंगी। ठीक है, तो पहले हम ये वाली पट्टी तैयार कर लेते हैं। पहले हम ये वाली पट्टी लगाएंगे इस पे। ठीक है, इस पट्टी को इस तरह खोल लेंगे हम, जितनी चौड़ी हमारी पट्टी है इसके सेंटर में हम ये पट्टी रख लेंगे इस तरह, इसके दोनों साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी हमें 10 इंच लंबी चाहिए, ये हम कटिंग कर लेंगे यहाँ से। ये मैंने पट्टी लगा ली। ठीक है, अब ये पट्टी हम पहले इस पे फ्रंट पे लगा लेंगे, बाद में इसकी छोटी वाली पट्टी लगाएंगे। पहले ये लगा लेंगे हम, इसे यहाँ पे इस तरह रखेंगे पट्टी को, इसे सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी लगा ली मैंने, अब ये वाली पट्टी लगा लेंगे हम इस पे। ठीक है, ये पट्टी हमने इस पट्टी के बराबर बिल्कुल चौड़ाई रखी हुई है इसकी, इसे यहाँ पे इस तरह रखेंगे। ठीक है, इस पट्टी का कच्चा हमारी इस पट्टी के नीचे दब जाएगा इस तरह, इसे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। मैंने इस पट्टी पे सिलाई लगा ली। ठीक है, उसके बाद मैंने ये वाली पट्टी भी लगा ली इसकी। ठीक है, ये पट्टी हमारी इस तरह सेटिंग में आएगी। ये इस तरह आ जाएगी। ठीक है, इसे हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक के, जहाँ तक हमारा ये पिंक शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसके शोल्डर जोड़ लेंगे, इसकी साइडों की सिलाई लगा के नीचे हम फिनिशिंग लगा लेंगे, और इसका कॉलर लगा लेंगे। कॉलर मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, कॉलर किस तरह कटिंग होता है और लगता है किस तरह है। ठीक है, उसके बाद इसकी स्लीव्स लगा लेंगे। ये देखिए मैंने ये पट्टी पे सिलाई लगा ली यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक के, उसके बाद मैंने इसके शोल्डर की सिलाई लगा के इसका कॉलर लगा लिया, इसकी साइडों की सिलाई लगा के मैंने नीचे फिनिशिंग लगा ली, और इसकी मैंने स्लीव बना दी, ऊपर मैंने यहाँ पे पट्टी लगा दी। ये हमारी कुर्ती तैयार हो गई।